दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने बीजिंग में हड़कंप मचा दिया है। इस ऐतिहासिक मिसाइल टेस्ट ने चीन को हिलाकर रख दिया है और उनके नेता अब खोखली धमकियां देने और निराधार आरोप लगाने में जुट गए हैं। चीन का दावा है कि भारत के ये कदम क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं और हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी धमकी दी है कि अगर भारत नहीं रुका तो वह अपनी 1-67 से इस मिसाइल को तबाह कर देगा। दोस्तों, चीन की सेना में मची हलचल यह साफ दर्शाती है कि यह टेस्ट साधारण नहीं था। इसे मिशन मोड में अंजाम दिया गया, जो यह दिखाता है कि भारत ने रक्षा तकनीक में कितनी तेज और केंद्रित प्रगति की है। लेकिन दोस्तों, आखिर यह मिशन मोड है क्या और यह मिसाइल भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? आइए इस सनसनीखेज डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं, जिसने भारत की रक्षा क्षमता को नए आयाम पर पहुंचा दिया है और दुश्मनों को डरा दिया है। दोस्तों, मिशन मोड का मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट को सबसे ऊंची प्राथमिकता और तात्कालिकता दी जाए। भारत सरकार ने डीआरडीओ को स्पष्ट निर्देश दिए थे, इस हथियार को तय समय सीमा में विकसित करें और इसे सशस्त्र बलों को तुरंत संचालन के लिए सौंप दें। इस मिशन की तात्कालिकता यह बताती है कि यह मिसाइल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस मिसाइल की आवश्यकता बदलते सुरक्षा परिदृश्य, खासकर चीन की सीमा पर को देखते हुए महसूस की गई। चीन अपने सैन्य ढांचे का विस्तार कर रहा है और भारत की सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में भारतीय सेना को एक लंबी दूरी की मिसाइल की जरूरत थी जो इन चुनौतियों का सामना कर सके। दोस्तों, अब इस मिसाइल की विशेषताओं पर जाने से पहले आइए उस टेस्ट पर चर्चा करते हैं जिसने यह साबित कर दिया कि भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कुछ समय पहले डीआरडीओ ने इस नई मिसाइल प्रणाली का बहुप्रतीक्षित परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा जारी किए गए वीडियो में मिसाइल की ताकत और क्षमता को दिखाया गया। दोस्तों, इस परीक्षण में मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया। यह एक मेडन फ्लाइट टेस्ट था, यानी यह पहली बार था जब इस मिसाइल को विकसित होने के बाद उड़ाया गया। ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर एयर बेस पर यह सफल परीक्षण किया गया, जो भारत के कई महत्वपूर्ण रक्षा परीक्षणों का गवाह रहा है। दोस्तों, मिसाइल ने न केवल सफलतापूर्वक उड़ान भरी बल्कि अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद दिया और सभी मापदंडों को आसानी से पूरा किया। इस टेस्ट ने यह साबित कर दिया कि डीआरडीओ ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो भारत की रक्षा तकनीक को एक नए स्तर पर ले जाएगी। दोस्तों, इस मिसाइल को LRLSEM कहा जाता है, यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। यह अत्याधुनिक हथियार अभूतपूर्व दूरी पर लक्ष्य को सटीकता से भेदने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां सामान्य क्रूज मिसाइलों की रेंज 250 से 500 किलोमीटर के बीच होती है, वहीं इस मिसाइल की रेंज है 1000 किलोमीटर। हां, पूरे 1000 किलोमीटर। दोस्तों, यह मिसाइल भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसे निर्भय मिसाइल को आधार बनाकर विकसित किया गया है। हालांकि निर्भय इस मिसाइल का आधार था, लेकिन LRLSEM पूरी तरह से एक नया और मौलिक हथियार है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, लंबी दूरी और कई विशेषताएं शामिल हैं, जिन्हें भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुसार बनाया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस मिसाइल को इतना खास और प्रभावशाली क्या बनाता है। पहला, अभूतपूर्व रेंज, जहां भारत की ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों की रेंज 450 किलोमीटर तक सीमित है, वहीं LRLSEM की रेंज 1000 किलोमीटर है। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। दूसरा, सटीक लक्ष्य भेदन, इस मिसाइल की सटीकता को और बेहतर बनाया गया है, जिससे यह दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को बिना चूके भेद सकती है। तीसरा, अधिक वॉरहेड क्षमता, इस मिसाइल में अपग्रेडेड वॉरहेड लगाए गए हैं, जिससे यह और भी अधिक विनाशकारी बन गई है। चौथा, स्वदेशी निर्माण निर्भय मिसाइल पर आधारित होने के बावजूद LRLSEM पूरी तरह से नया और आधुनिक हथियार है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। पांचवा, बहुमुखी क्षमता, इसकी लंबी रेंज और सटीकता इसे चीन सीमा पर तैनाती के लिए आदर्श बनाती है, जहां दुश्मन के कई रणनीतिक ठिकाने भारतीय सीमा से काफी दूर स्थित हैं। दोस्तों, मिशन मोड में LRLSEM का विकास भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए किया गया था।
चीन सीमा पर उनके अधिकांश सैन्य ठिकाने भारतीय सीमा से कम 500 से 600 किलोमीटर दूर हैं। उनके कुछ प्रमुख सैन्य अड्डे तो इससे भी अधिक दूरी पर हैं। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है, इन दूरियों को कवर नहीं कर सकती। यहां तक कि ब्रह्मोस का भविष्य का लंबी दूरी का वेरिएंट भी अधिकतम 800 किलोमीटर तक पहुंचेगा। ऐसे में LRLSEM ने इस अंतर को भरा और भारत को दुश्मन क्षेत्र में गहराई तक लक्ष्य भेदने की क्षमता दी। दोस्तों, यह मिसाइल जल्द ही चीन सीमा के पास तैनात की जाएगी। इसके मिशन मोड में विकास ने सुनिश्चित किया कि इसे समय पर और बिना किसी चूक के तैयार किया जाए। दोस्तों, LRLSEM का विकास DRDO वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। दिन रात काम करके उन्होंने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को न केवल पूरा करता है बल्कि उनसे आगे निकल जाता है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा तकनीक में बढ़ती क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोस्तों, इस डेवलपमेंट पर चीन की प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती है। धमकियां देने और भारत पर क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाने के साथ बीजिंग ने यह दिखा दिया है कि वह भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं से डरा हुआ है। दोस्तों, यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि DRDO ने अपनी कड़ी मेहनत और अद्वितीय प्रतिबद्धता से एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसने न केवल हमारे देश को गौरवान्वित किया है बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यह सफलता केवल एक मिसाइल टेस्ट नहीं है बल्कि यह दर्शाती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय और फोकस के साथ काम करें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह उन लाखों भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा विशेषज्ञों की मेहनत का परिणाम है जो दिन रात अपनी जान लगाकर देश की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। सोचिए दोस्तों, जब हमारे देश की ताकत इतनी बढ़ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों को हमारे ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है तो यह हम सभी के लिए कितना बड़ा गर्व का पल है। DRDO का यह कदम न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत बनाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि जब भारत ठान लेता है तो वह दुनिया में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह वही आत्मनिर्भर भारत की झलक है जिसका सपना हर भारतीय देखता है। दोस्तों, यह कामयाबी हमें एक बार फिर से यह याद दिलाती है कि अगर हमारे पास मेहनत, लगन और एकजुटता है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह मिसाइल टेस्ट केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह हमारी भावनाओं का प्रतीक है, हमारे साहस का प्रतीक है और हमारी ताकत का प्रमाण है। अगर आपको भी इस कामयाबी पर गर्व है तो इसे पूरे दिल से महसूस करें। यह गर्व केवल DRDO का नहीं है, यह गर्व हर भारतीय का है।